कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर किए गए वक्तव्य पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। ये पूरा मामला क्या है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। नागपुर शहर में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर किए गए वक्तव्य पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी समन्स पर कांग्रेस की ओर से शहर के ईडी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान जाहिर सभा का भी आयोजन किया गया था। सभा के मंच पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस मंच से कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर बात करते हुए एक वक्तव्य किया था कि इस वक्तव्य की हाजिरी अब तो थाना तक पहुंच गई है। इस वक्तव्य को लेकर भाजपा की ओर से शहर के गिटिखदान थाने में शेख हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। आइए देखते हैं ये बवाल शुरू कहां से हुआ है। वही हाल होगा, क्या बोलेंगे, जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि आंदोलन में संबोधित करते हुए शेख हुसैन ने क्या वक्तव्य किया। अब ये भी जान लीजिए कि इसका असर क्या हुआ। इस वक्तव्य के बाद दूसरे ही दिन भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में शेख हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा, ये भी जानते हैं। अत्यंत निंदाजनक खालच्या स्तराचं विधान शेख हुसैन यांनी काल केलं, शब्दातही बोलू शकत नाही इतकं वाईट विधान केलं आहे। त्याचा पेन ड्राईव्ह आम्ही डीसीपी आणि पोलीस इन्स्पेक्टरला दिलाय। आमचे सर्व नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके, आमचे जे अध्यक्ष त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आज आम्ही पोलिसांची भेट घेतली आणि पोलिसांना एवढंच म्हटलं की तुमच्याकडनं अपेक्षा होती आतापर्यंत की तुम्ही सुमोटो याचा दखल घेतली पाहिजे आणि याच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे होता, पण पोलिसांनी सरकारच्या दबावामध्ये कुठलाही गुन्हा दाखल केला नाही। आज मी स्वतः आणि प्रवीण दटके आम्ही दोघांनी एफआयआर दिलाय, पोलीस कंप्लेंट दिली आहे। आज आम्हाला अपेक्षा आहे की डीसीपी आणि पोलीस इन्स्पेक्टर यांनी तातडीनं गुन्हा दाखल केला पाहिजे। एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधल्या नेत्याबद्दल एक छोटंसं आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं तर त्यांना एक एक महिना जेलमध्ये लावावं लागतं। आताही आम्ही कोणाचं समर्थन करणार नाही। जे आक्षेपार्ह विधानाचे आहेत चितळे ज्या आहेत सौ चितळे, त्यांना अजूनही जेलमध्ये राहावं लागत आहे। म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या बद्दल काही बोललं तर जेलमध्ये जा, आणि हे बेछूट विधानं करतात शेख हुसैन सारखे त्या ठिकाणी लोक। तर मला वाटतं की जर यांनी आज संध्याकाळपर्यंत गुन्हा दाखल केला नाही तर आम्हाला उद्या रस्त्यावर उतरावं लागेल। आम्हाला प्रचंड त्या ठिकाणी जे काही करावं लागलं ते करू आम्ही, पण शेख हुसैन यांचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, त्यांना अटक झाली पाहिजे आणि तातडीनं जेवढ्या कलमा याच्यामध्ये बसतात कोणत्याही कलम चोरी पोलिसांनी करू नये, सर्व कलमा त्यांच्यावर लावल्या पाहिजे ही आमची मागणी आहे। ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या आंदोलन करावं लागेल। इस पूरे बवाल के बाद पहली बार शेख हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहा, मैंने तो मुहावरा कहा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा नागपुर और महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का काम कर रही है। मैं क्या बोला, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं बोला। मैंने पार्टी लाइन के हिसाब से भाषण दिया, किसानों के बारे में बोलना, बेरोजगारी के बारे में बोलना, देश के अंदर में अमन समन का वातावरण रहे, देश के बीच में आज जो जिस जिस तरीके चल रही है वो लोगों को लड़ाने का काम नहीं करे। ये जो मैंने जितनी भी बातें बोला वो कोई गलत थोड़ी बोला। गुजरात में जो हुआ वो मैंने बोला, कोई गलत नहीं बोला। भाई देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने खुद ही मोदी जी के बारे में बोला था कि मोदी जी ने इस देश के नाम को कलंकित किया है, ये वो कभी धुल नहीं सकता। तो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला। और राहुल गांधी और इंदिरा सोनिया जी गांधी की बात है, गांधी परिवार के ऊपर मैं ऐसी कुछ भी ये जोर जबरदस्ती हो ऐसे कुछ तरीके से जुल्म होगा, हम उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इसलिए ईडी के नोटिस दिए, इसलिए पूरे नागपुर शहर पूरे देश के अंदर में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और उनके फेवर में लड़ाई लड़ रहे हम लोग। और आज भी तीन दिन से चालू है ईडी का बोलने का, ये करने का उनका। तो हमारा कहना क्या है कि हमने कोई गलत तो किया नहीं है ना। और ये बीजेपी वाले जो है, मेरे को बताओ आप व्हाट्सएप खोलिए, तो मेरे पास कई व्हाट्सएप बताता हूँ मैं, कितनी गंदी गंदी लोग इस तरीके से गालियाँ बकते। हम तो कोई गाली नहीं बक रहे ना, हमारे प्रधानमंत्री हम स्वागत करते, आदर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग करते उनको आप क्यों नहीं बोलते। मैंने क्या ऐसी गलत बात बोल दिया जो इतना बीजेपी वाले 500-600 लोग
वहाँ पर थाने में जाके इनके ऊपर गुना मेरे गुना दर्ज करवा रहे, मेरे खिलाफ बयान भेजवा रहे, आज दूसरे दूसरे जगह से आज धमकी आ रही है, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, खून पूरा खून रंग देंगे, लाल कर देंगे। ये जो सब हो रहा है, ये क्या करना चाहते हैं देश के अंदर में? नागपुर शहर और विदर्भ के माहौल को खराब मत करो, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, ये ताजुद्दीन बाबा का शहर है नागपुर शहर, यहाँ पे शांतता बनी रहती। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मारक है यहाँ, आज संविधान के यहाँ से दीक्षा ली गई है। या ऐसी जगह के ऊपर में आपने कोई चीज़ को खराब नहीं करना चाहिए, और हमने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है, हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, वही बात आपने करना चाहिए। मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया मोहरे में बोला, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अब उस तरीके से उसको तुम कहीं भी लागू कर दोगे तो उसके लिए मैं जवाबदार थोड़ी हूँ। अपन माफ़ी, मेरी कोई गलती नहीं किया तो माफ़ी काय के लिए मंगा रहे हैं? नहीं, काय के लिए माफ़ी मंगा रहे भाई? उनका कहना है, कोई भी कह ले भाई, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के ऊपर में हो रहे, अरे देश का बलिदान राजीव गांधी का बलिदान है देश के लिए, इंदिरा जी का बलिदान है, ये जो माफ़ी मांग रहे हैं, इन तो कभी माफ़ी नहीं मांगा उनसे। और जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उसकी पूजा करते हैं ये, और ये मेरे को माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले की पूजा करते हैं कि नहीं है, बताइए ना आप? उनकी उनका जन्मदिन मनाते हैं, ये करते हैं ये लोग, और ये लोग देश के अंदर में देश के लिए जिन्होंने जिस गांधी परिवार का कुर्बानी दी और आज भी कुर्बानी दे रहे, उनको उनके लिए हम बोलेंगे नहीं तो किसके लिए बोलेंगे? कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।